जब भी हम लोग शॉपिंग टुनटुन यहाँ पे बैठता है, हम एक भी सामान खरीदेंगे फिर भी उसको यहाँ पे बैठना है। टुनटुन हाय बोलो। नहीं हुआ और कोई दूसरा सहेली की ज़रूरत नहीं होती है, तो बहन होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम अभी घूम रहे हैं, कोई बोलेगा कि हम सिस्टर्स, हम तो अभी बेस्ट। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? जरूर अच्छे होंगे। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं टुनटुन? डॉक्टर के पास, क्योंकि टुनटुन का थोड़ा स्किन का प्रॉब्लम हुआ है। जैसे ये देखो टुनटुन का स्किन, देखो ये क्या हो गया है, पूरा देखो कितना हो रहा रफ रफ हो गया, कुछ निकला था, फिर ठीक भी हो गया। फिर स्किन ठीक होने के बाद इतना ये ड्राई हो गया है ना, सर्दी का मौसम है फिर भी इतना होना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हाथ में भी हुआ है, देखो ये सब हो गया, पाँव में भी हुआ है, पाँव में भी, यहाँ पे भी। अभी हम लोग कहाँ जा रहे बाबू? मैं तो डॉक्टर के पास। अच्छा, और डॉक्टर क्या बोलेगा? टुनटुन आ जाओ, टुनटुन पहन लो। अभी टुनटुन का हम ये नहीं पहनोगे? अब ये जूता नहीं पहनेगा, खुद लेके गया है। आजा बाबा, जल्दी पहन लेते, आजा, देर हो रहा है। ठीक है, रहो, तू जूता पहन के मत जाओ। अभी हम पति देव के साथ ही जा रहे हैं, हमारे साथ टुनटुन भी जाएगा। हाय बोलो। हाय। हम क्यों जा रहे हैं हॉस्पिटल? मैं डॉक्टर। क्या हुआ आपको? स्किन में। टुनटुन को डॉक्टर के पास लेके गया और दिखा भी लिया। अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे, और कहाँ जा रहे हैं आप लोग जब वीडियो पूरा देखोगे तभी पता चलेगा। और कुछ सामान भी खरीदना है। अभी देखिए, ये देखिए दिल्ली का नज़ारा, गली गली नज़ारा। कितना भीड़ है इधर, की वस्तु सब्जी। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, उस दिन वापस चले गए थे उसी जगह में हम लोग आ गए। टुनटुन टुनटुन, चलो हम लोग मंदिर में आ गए। उस दिन चंद्र ग्रहण था इसलिए वापस लौटना पड़ा। अभी हम पूजा के कुछ सामान खरीदते हैं। आजा बाबा, आजा। हम लोग पूजा के लिए थोड़ा सामान खरीदते हैं, अंदर ही मिलता है इसलिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। आजा बेटा। अरे राम, दिल्ली के दादा रे मंदिर में ठंडी लग गई रे, ठंडी लग गई। दिखाती हूँ आप लोगों को मंदिर के अंदर ही। देखिए ये शुद्ध देसी घी का प्रसाद मिलता है। फिर ये देखो मूर्तियाँ नहीं, भगवान के फोटो। फिर इधर है जोटा रखने के लिए जगह। हमारे असम में ऐसा जगह होता है कि नहीं, मुझे इतना भी मालूम नहीं है, लेकिन इधर देखिए कितना सुंदर करके रखा है ताकि जूता गुम ना हो, चोरी ना हो। इधर अपने जूता रखना है, हमने भी जूता खोल लिया है, अभी उधर रख देंगे। फिर रखने के बाद पूजा का थोड़ा सामान खरीदेंगे पूजा करने के लिए। उस दिन भी आई थी हम लोग, आप लोग ज़रूर देखे होंगे, लेकिन काम नहीं हुआ था। अभी हम प्रसाद खरीदने आ गए। ये देखिए आप लोगों को दिखा के हुई कितना, इधर से मैं एक बार हनुमान का ये लेके गई थी, अभी भी है घर में। अभी हम लोग प्रसाद खरीदते हैं और पूजा के लिए सामान, और पूजा करने से पूजा का सामान के लिए हमने ली है अगरबत्ती, फिर फूल, और ये है दीपक, और थोड़ा सा प्रसाद। यही लेके हम अभी पूजा करेंगे। घर से लाया नहीं क्योंकि कैंपस के अंदर फूल तोड़ना माना है, इसलिए कैंपस के अंदर बहुत फूल है।
बहुत बहुत ज़्यादा ही फूल है। और उसका भी मैंने एक ब्लॉग बनाई थी, वो ब्लॉग आप लोग अगर देखोगे तो भी पता चलेगा कितना सुंदर सुंदर फूल है। इधर हमको खरीदना ही पड़ रहा है, हम लोग अभी खरीद के अभी ले लिया है। ये देखिए, ये दीपक जलाने के लिए, फिर ये तेल लिया, ये अगरबत्ती लिया और प्रसाद। ठीक है, अभी हम अंदर चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और एक बात है ना, मंदिर आने के बाद मन इतना प्रशांति मिलती है, इतना अच्छा लगता है। अभी हम लोग ले लिया है पूरा पूजा के लिए सामान। अभी टुन टुन हम लोग दोनों जा रहे हैं पूजा करने। हम क्या करने जा रहे हैं? नमो। अभी हम लोग जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर मंदिर है, पहले भी हम लोग आ चुके थे। किसको रुकना है? अभी पापा को पूजा कर रहे हैं। पहले भी आ चुके थे, एक बार दो बार आ चुके थे पहले। फिर उस दिन नाइट में वापस भी चले गए थे, क्योंकि उस दिन सुंदर ग्रहण था, तो खास मौका मिला आने के लिए। अभी हम लोग दिखाते हो आप लोगों को। चलो इस मंदिर का नाम है दादा देव मंदिर, जो हमारे कैंपस के नज़दीक में ही है। लेकिन ये दादा देव कौन है हमको भी इतना पता नहीं है, लेकिन उसी का ही मूर्ति को पूजा करते हैं। और वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं चाहती हूँ। ये देखिए, मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने दो हाथी है, हमारे असम में भी रहता है ऐसा। फिर अंदर ये देखिए कितना सुंदर है, ये सुंदर तो सुंदर है लेकिन सुकून कितना मिलता है अंदर आने के बाद। और भीड़ भाड़ इतना नहीं थी, बहुत अच्छा लगा। और ये है दादा देव जी के मूर्ति, हमने प्रणाम किया और इधर हम भी पूजा करेंगे। और उससे पहले मैं थोड़ा सा वीडियो बनाई आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये देखिए, जय श्री राम लिखा है। और ये दिया, अच्छा टुनटुन और उसके पापा पूजा कर रहे थे, तो फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाई, क्योंकि बड़ा होने के बाद टुनटुन देखेगा, हम भी देखेंगे। ये देखिए, और उसके बाद हम लोगों ने अंदर पूजा कर ली हूँ। अभी बाहर भी है, इधर महादेव की मूर्ति है और वहाँ पे जाती हूँ। महादेव शिवलिंग है, वहाँ पे जाती हूँ और फिर वहाँ पे दिया अगरबत्ती से जलाती हूँ। अंदर इधर भी है, पहले अंदर जलाता है शायद ना, हाँ फिर अंदर जलाती हूँ। इधर आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए कृष्णा है महादेव। भगवान रामचंद्र, राम जी, लक्ष्मण जी और भरत जी के पत्नियाँ, ये तीनों दिव्य का मूर्ति इधर है। और ये है हनुमान जी, और इधर भी हम लोगों ने पूजा कर ली। और आप लोगों को दिखाती हूँ, और आइए आप लोगों को दिखाते हैं कान्हा जी और राधा जी के मूर्ति। ऐसे तो हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन जब हम मंदिरों में आते हैं तो मूर्ति तो देखने को मिलेगा ही। और पूजा चाहे मूर्ति हो, चाहे फोटो हो या भगवान के नाम, भगवान तो हमारा दिल की आवाज़ सुनते हैं, है ना। तो इसमें कोई वो नहीं है, हमारा मन का कोई वो नहीं है, हम ऐसे भी भगवान को मिल जाएगा। तो ये देखिए भगवान कौन है, आप लोग देख के पता ही चला है, शिव और पार्वती। और इधर शिवलिंग है, यहाँ पर भी हमने पूजा किया। और ये देखिए मंदिर का नज़ारा, दिल्ली में इतना शोर शराबा कि इसके अंदर जब आओगे ना, आप लोगों को इतना प्रशांति मिलेगी, इतना सुकून मिलेगी। जब आओगे तो बाहर की दुनिया आप लोग भूल जाओगे। मुझे भी ऐसा फीलिंग हुआ इधर आके, बहुत ही अच्छा लगा।
देखिए कितना सुकून भरा है इधर, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं है। पक्षियों की आवाज सुनाई दी थी इधर, बहुत अच्छा लगा। इधर देखिए आरती विश्वकर्मा जी की, इधर पूरा विश्वकर्मा जी को कैसे आरती करना है वह लिखा हुआ रहता है। और यह विश्वकर्मा जी के मूर्ति, और इधर देखिए जय माँ शेरावली की आरती, और इधर आप माँ शेरावली देखने को मिलेगा आप लोगों को। और फिर ऐसे ही हर एक मूर्ति के सामने आप लोगों को आरती के वो लिखा रहेगा, कैसे आप लोगों को प्रे करना है वो लिखा हुआ रहता है। बहुत ही अच्छा लगा इधर, आइए आप लोगों को दिखाते हैं और क्या क्या है इधर। और ये देखिए जैसे आप लोग देख सकते हो, ये कितना बड़ा नीम का पेड़ है और इसको नहीं काटा है। देखो काटने से तो ये अभी तक नहीं रहना था। और इसके सेफ्टी के लिए देखिए टाइल्स कैसे लगाए हैं, पेड़ भी बस गया। और ये है हनुमान चालीसा, और इधर है हनुमान जी का मूर्ति। और देखिए कितना सुंदर करके सजा के रखे हैं, और बाहर ये दिया जले हुए है। और इधर है देखिए आप लोग, इधर है कान्हा जी, ये देखिए कान्हा जी भगवान श्री कृष्णा, इसका भी आरती के बारे में इधर लिखा है। जिन लोगों को आरती नहीं आती है तो ये आरती पढ़ कर आप लोग प्रे कर सकते हो। फिर ये है गणेशा जी बप्पा, गणपति बप्पा। और इधर से गणेश जी की निर्माण, मंदिर का निर्माण कब हुआ इधर वो भी लिखा हुआ है। तो आप लोग जब आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमने तो आए थे पहले भी, फिर आएंगे अगर भगवान बुलाए इधर तो पक्का आएंगे। बहुत ही अच्छा लगा, और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों को दिखाने का मौका मिला। और यह है हमारा टुनटुन, और टुनटुन बोला इसके ऊपर जाएंगे बच्चे का काम देखिए। फिर लास्ट में क्या हुआ, हम लोग जो आते रहे थे इधर देखिए खाने परोस रहे, ये लोग भंडारे बोलते हैं, मतलब कोई कोई ऐसा लोग रहता है इधर हफ्ते में कभी कभी ऐसे खाना खिलाते हैं, बहुत लोगों को खाना खिलाते हैं मंदिरों में ही आके ऐसे बनाते हैं फिर खाना खिलाते हैं। हमने भी आया देखा, बहुत ही अच्छा लगा, कितना अच्छा लोग रहते हैं दुनिया में, एक दिन का खाना जो खिलाते हैं ऐसे, बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। ऐसे तो लोगों के पास बहुत धन दौलत होते हैं, लेकिन वो दिल नहीं होते हैं जैसे किसी को एक दिन फ्री में खाना खिलाए। और इधर देखिए कितना अच्छे लोग रहते हैं ना, जब भी हम लोग शॉपिंग करते हैं तुम तुम यहाँ पे बैठता है, हम एक भी सामान खरीदेंगे फिर भी उसको यहाँ पे बैठना है। तुम तुम हाय बोलो, हाय बोलो, ये देखो वो पूरा सामान उठा रहा है, क्या लो या ना लो भी हम तो सामान चाहिए तो वो लेती हूँ फिर घर चलती हूँ। टुनटुन और उसके पापा अंदर शॉपिंग करने में बिजी है, और इधर में बाहर आके सब्जी खरीदने लग गए कि देर हो रहा है इसीलिए। ये हम लोग आ गए, शाम भी हो गए, फिर ये देखिए शाम के टाइम में इवनिंग वॉक तो करना ही करना है। मैं और बहन आई इवनिंग वॉक के लिए, और हम दोनों ने क्या किया आप लोगों को दिखा रहे चाहती हूँ। जब भी दो बहनें रहती है तो मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक और कोई दूसरा सहेली की ज़रूरत नहीं होती है, तो बहन होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम अभी घूम रहे हैं, कोई बोलेगा क्या हम सिस्टर्स, हम तो अभी बेस्ट फ्रेंड हैं। अभी हम लोग घूम रहे दोनों शाम के टाइम में, और इधर हाथ में है चिप्स का पैकेट, ऐसे तो दूसरे को ऑर्डर देती हूँ, जंक फूड नहीं खाना है लेकिन हम चुपके से खाते हैं ठीक है, और किसी को दिखाते भी नहीं है। अभी ये स्टेशन हो गया, आज लग रहा है ये नागिन नहीं बनेगी, आज नागिन टीवी में आ रही है इसीलिए। अच्छा,
आज नागिन टीवी में आ रही है इसलिए बोला है। तो आज सैटरडे है, अभी हम लोग घूम रहे हैं। नागिन तो शुरू हो गया, नागिन तो टीवी में है। हाँ ठीक है, अभी हम यही बोलने के लिए अभी वीडियो बनाए थे। अभी हम दो बहनें आते आते हमारे कैंपस के अंदर जो पार्क है वहाँ पे आ गए हैं। अभी ये तो दीवानी दिल हो, अभी इधर एक सिंगर का पैदा हो गया, ये देखो अजनबी सिंगर पैदा हो गया। तो हम बहुत मस्ती कर रहे हैं। कल संडे है, वन वीक में सिर्फ एक ही दिन हमको एंजॉय करने के लिए टाइम मिलता है, एक ही शाम, बाकी शामों में हमको निकलने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। क्या हुआ नागिन? आज क्या नागिन का दुश्मन पैदा हो गया पार्क में? चलो चलो पैदा हो, पैदा हो। ये भगवान, ये देखो क्या अद्भुत नागिन है। फिर ये नागिन का शो पक्का देखना आप लोग, देखने के बाद बताना कभी बहन के सारे से मस्ती करना। भी देखो पूरा लाइटिंग देखो इसका, इतना अच्छी दिख रही है। ये भगवान। अभी तो हम ऐसे वॉकिंग करने के लिए आए थे, तो बहन ने बोला थोड़ा घुमाओ मुझे। आज पहली बार इस पार्क में इसने कदम रखे है, क्योंकि इसका दो तीन महीना हो गए इधर आते हुए, टाइम ही नहीं मिलता है। बेचारी ड्यूटी जाते हैं उधर, हार्ट का पेशेंट देख देख के उसका हार्ट ही नागिन की तरह हो गया। अभी क्या हुआ? चलो कुछ बोलो। इसका इससे ज़्यादा मैं खूबसूरत हूँ, एक खूबसूरत नहीं है, ठीक है? मैं खूबसूरत हूँ बहुत। दीपिका पादुकोण का नाम कटरीना कैफ। वाह, कटरीना है या कटरीना, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा ऐसे रील बनाते हैं, फिर चलते हैं ऊपर ऊपर।